नमस्कार दोस्तों, बिंदास जिंदगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इंटरनेशनल फिल्म गोल्ड फिश का ट्रेलर रिव्यू करने जा रहा हूं और आप में से बहुत सारे लोगों को जो है गोल्ड फिश फिल्म के बारे में पता भी नहीं होगा कि यह फिल्म जो है 25 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हो रही है। और मुश्किल तो देखिए और मतलब कि दुर्भाग्य देखिए कि इस फिल्म को, इंटरनेशनल फिल्म को किस लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है और कैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज किया गया है ट्रेलर को, कि वहां पर 18 से 19 घंटा होने के बाद भी महज 1000 से कुछ ही ज्यादा लोगों ने देखा है। और सौभाग्य मेरा कि मैंने इस ट्रेलर को देखा और समझा कि इस फिल्म के बारे में, इंटरनेशनल फिल्म के बारे में आपको बताना जरूरी है। वैसे तो यह फिल्म 2022 में रिलीज हो चुकी है इंटरनेशनली और इसे तमाम तरह के नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया, जहां पर इसके कंसेप्ट, कहानी, कंटेंट, एक्टिंग, फिल्म की ट्रीटमेंट को जो है बहुत ज्यादा सराहा गया है। फिल्म जो है मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों की कहानी है। जब भी कोई मानसिक समस्याओं से जूझ रहा होता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे कोई परिवार, लेकिन उस समय आपका पॉजिटिव अप्रोच उनके साथ जो है वो बहुत जरूरी होता है और यही कहानी का मूल ट्रीटमेंट है। और ये जो स्प्लेंडिड फिल्म्स है, स्प्लेंडिड जो है एम्पावर का हिस्सा है। और आपको बता दें एम्पावर एक जो है ट्रस्ट है, आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट का हिस्सा है, जहां पर एक टोल फ्री नंबर है लेट्स टॉक 1-to-1, जहां पर आप जो है कॉल करके अपनी किसी भी मानसिक समस्या का जो है आप उनसे समाधान पा सकते हैं। अगर वो शुरुआती दौर पर है, वहां पर आप कॉल करके अपनी समस्या को निसंकोच बता सकते हैं। और वहां पर बात करने के बाद ही मैं आपके साथ ये नंबर शेयर करने जा रहा हूं, जो कि नंबर है 1-800-120-82-0050। यहां पर कॉल करके मैंने आधे घंटे बात की और अपने प्रॉब्लम, जो कि मेरा एक प्रॉब्लम होता है ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस का, उसके बारे में मैंने बात की और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए, टिप्स बताए हैं कि किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस नंबर पर कॉल करें और निसंकोच कॉल करें, क्योंकि कोई चीज जो होती है ना, छुपाने से वो बढ़ती है। तो यहां पर जो फिल्म है, यह फिल्म है मां और बेटी की कहानी है। यहां पर कल्कि कोचलिन और दीप्ति नवल और रजत कपूर जैसे एक्टर हैं और यह कहानी डील करती है बुढ़ापे में जो समस्या होती है, याददाश्त के जाने की, शुरुआती दौर का एक पागलपन भी होता है और क्षमादान की बात है, मानवता की बात है, इन सब इमोशन से लबरेज यह फिल्म जो है बहुत ही अच्छी फिल्म है। माँ बेटी के खूबसूरत रिश्ते को दिखाती है, जहां पर कभी कड़वाहट है, कभी मिठास है, कभी दोस्ती जैसी बात है, कभी दुश्मनों वाली बात भी हो जाती है। इसका मकसद है लोगों को जागरूक करना, मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक करना कि मेंटल हेल्थ कोई मतलब कि ऐसा अभिशाप नहीं है, इसे ठीक किया जा सकता है। बुढ़ापा भी कोई अभिशाप नहीं है, ये एक वरदान है। उन्हें सम्मान की जरूरत है, प्यार की जरूरत होती है, न कि उन्हें ओल्ड एज होम में रख देने की। और ऐसी फिल्मों को हमें देखने की बहुत जरूरत है और समाज को भी ऐसी फिल्मों को देखने की बहुत जरूरत है। इस रिव्यू को देख करके अगर कुछ लोग भी इस फिल्म के बारे में जान जाते हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक, एक नए रिव्यू के साथ में। टेक केयर दोस्तों, नमस्कार, ओम शांति।